हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर्स। जैसा कि आज है हरियाली तीज, तो मैंने भी बनाई है अच्छी सी एक स्वीट डिश अपनी किचन में। तो आज मैंने बनाई है चॉकलेट बर्फी, और जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस अमेजिंग सी रेसिपी को देखिए। एकदम दो ही चीज़ों से ये रेसिपी बहुत ही जल्दी से बनके तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल ये रेसिपी आप देखिए, इसको आप रक्षाबंधन पर भी ट्राई कर सकते हैं बनाने की, बहुत अमेजिंग ये बनती है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन, और मैंने लिया है मिल्क मेड, और इसमें मैं डालूंगी, ये 400 ग्राम मिल्क मेड है, इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है चॉकलेट बर्फी, बहुत ही टेस्टी ये बनती है, और बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। देखिए, 400 ग्राम मिल्क मेड मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच कोको पाउडर, किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर ले लीजिए, 3 और 4। चलिए अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए कितना ही चॉकलेटी हो गया है, ये बहुत ही चॉकलेटी और बहुत ही टेस्टी बर्फी बनने वाली है। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ गैस के ऊपर। चलिए अब मैं इसे स्लो से मीडियम हीट के ऊपर इसे पका लेती हूँ। 5 से 10 मिनट में इसे पकाऊंगी, तब तक ये ऐसे हो जाएगी, थोड़ी इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब तक मुझे इसे पकाना है। तो मैं इसे पका लेती हूँ, पका के आपको दिखाती हूँ कि किस स्टेज तक मुझे इसे पकाना है। तो ये देखिए पकते पकते जो है 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए नीचे से ऐसे फील हो रहा है कि लगने जैसा फील होता है कि नीचे से चिपक जाएगा, पर चिपक नहीं रहा, नॉनस्टिक पैन है। तो इस कंडीशन में जब आपका आ जाए पकते पकते, और थोड़ा इकट्ठा सा भी होने लगा, एक बार तो ये मेल्टिंग फॉर्म में आता है और दोबारा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इकट्ठा भी होना शुरू हुआ है। तो अब हम इस स्टेज में इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, बटर है तो आप बटर डाल दीजिए, तो इसमें जो है ग्लेस आ जाएगी। घी या बटर डालने से हमारी जो बर्फी है इसमें एक ग्लेस आ जाएगी। देखिए अब कैसे उतरने लगा है ये। अब इसमें मुझे डालना है, अगर आप बटर, सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं तो मत डालना, अगर आप घी डाल रहे हैं तो ज़रा सा सॉल्ट इसमें मैं डाल रही हूँ, 1 चुटकी सॉल्ट। इसको मिक्स कर देते हैं। चलिए अब हमारा जो है ऑलमोस्ट ये डन है, बस हम गैस बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे पहले, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आएगा जब मैं इसको जमने के लिए रखूँगी, हल्का सा ठंडा करके। तो बिल्कुल गरम गरम है अभी। अगर आप स्टील के बर्तन में फैला के बर्फी जमाएंगे तो आपको रूम टेम्परेचर पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे लाना है। तो देखिए कैसे कढ़ाई को ये ऐसे छोड़ रहा है, देखिए कैसे पैन को ये छोड़ के इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। तो अब ये हमारा रेडी है, तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपना बर्तन प्रिपेयर करके रखा हुआ है, और अब मैं अपने इस मिक्स को अपने बर्तन में डाल दूंगी और फैला दूंगी, स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। इस तरीके से स्पून से फैला फैला के मैं इसे अच्छे से फ्लैट कर दूंगी, बिल्कुल फ्लैट करके इसे जमने के लिए मैं रख दूंगी, ढक के फ्रिज में मैं इसे रख दूंगी सेटल होने के लिए। चलिए अब मैं इसे रख देती हूँ फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेटल होने के लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मज़ेदार सी चॉकलेट बर्फी मैंने ये निकाल के पीसेस में काट दी हैं। देखिए यहाँ पे मैंने छोटे पीसेस में काटी हैं, और ये बड़ी ब्रिक रखी हैं इस तरीके से। और ये स्टार्टिंग में आप इसे कट करेंगे ना, थोड़ा टैकल करना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी समर्स है, तो अच्छे से इसको प्रॉपर इसको जमा लेना, उसके बाद आप काटना शुरू करना। अब मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, ये ऑप्शनल है, अलग अलग तरीके से हम इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो किसी के ऊपर मैं डाल रही हूँ चोको चिप्स या स्प्रिंकल्स, मेरे पास रखे थे तो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी इसको प्लेन, बिल्कुल बर्फी जैसा तो ये प्लेन ही लग रहा है, इसके ऊपर मैंने कोको पाउडर डस्ट किया है। बाकी आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, बिल्कुल प्लेन भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये डेकोरेशन ये है कि आप कोको पाउडर एक छलनी में ले लीजिए और इस तरीके से डस्ट कर दीजिए। ये देखिए ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगती है। अलग अलग डेकोरेशन मैंने हर पे डाली है, ये देखिए ये वाली प्लेन रखी है, इनको मैंने कोको पाउडर से डेकोरेट किया है, आप चाहें तो शुगर पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं। और आपको ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।